रिमेंबर वन थिंग, दुनिया में फॉलो दुनिया उस बंदे को नहीं करती जो अपने लेवल का हो या अपने लेवल से नीचे हो। सर दुनिया में राज उसी बंदे का होता है सर, दुनिया फॉलो सर हमेशा उस बंदे को करती है जिसका लेवल सर एक आम बंदे से ऊपर हो। सर लेवल का मतलब BMW मर्सिडीज नहीं होता सर, लेवल का मतलब होता है क्वालिटीज। सर जो जिसकी क्वालिटी सर बड़ी होती है ना काम इंसान से, पीपल लव टू फॉलो देम। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपके साथ एक पर्सन बात कर रहा था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आपने कभी उस बंदे से उसकी क्वालिफिकेशन ही पूछा, बड़ी यू इंप्रेस, आपने उसकी लैंग्वेज उसका वे ऑफ टॉक देखा, बड़े इंप्रेस हुए। आपने कई बार ऐसा नोट किया होगा आप उस बंदे से बड़ा इंप्रेस हुए होगे, मतलब जिसने बहुत इंग्लिश आपसे बेटर इंग्लिश में बात करी होगी। आपने कई बार उससे भी बड़े इंप्रेस हुए होंगे जिसने आपसे बेहतर कपड़े डाले होंगे लाइफ में। आप कई बार जिंदगी में उससे भी बड़े इंप्रेस हुए होंगे सर जिसके फेस पे बड़ी स्माइल थी, जो हमेशा स्माइलिंग था और एनर्जेटिक, मतलब एनर्जेटिक वे से आपसे बात कर रहा था और बड़ी पॉजिटिव उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो आपसे बात कर रहा था आपको लग रहा था कि वाकई मेरे से बेहतर इंसान है। आपको उसकी ना अपने मुंह से नहीं बोला होगा बट अंदर से ऐसा लगा होगा यार मेरे से बेहतर, मेरे से इंसान बेहतर। That's why I am saying, sir, you need to improve yourself. अगर जिंदगी के अंदर 20,000 पे कमाना है ना तो 20,000 वाला इंप्रूवमेंट लेके आओ। अगर 2,00,000 रुपए महीना कमाना है तो 2,00,000 वाली इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर 10,00,000 रुपए महीना कमाना है, 20,00,000 महीना कमाना है, आपकी इंप्रूवमेंट उतनी बड़ी होनी चाहिए। सी आप ऐसे बहुत सारे, आप कभी एयरपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे एक अच्छे मॉल के अंदर जाना है, एक अच्छे ब्रांड के अंदर जाना, आप वहां पे देखना हम एयरपोर्ट पे कई बार नोट करते हैं 20-30 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा कितने सुंदर में भी बात करता है। कभी आप उनके कपड़े देखना, उनका स्टाइल देखना, आपको गुस्सा आ भी रहा हो ना, आप गुस्से से बात भी करो किसी अच्छी मॉल में जाके, सॉरी सर आई एम सॉरी, मतलब प्लीज आप बैठे में आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। आप किसी अच्छे मॉल में जाके देखना, अच्छे ब्रांड में जाके देखना, मगर रेडियो में वेंडर्स में आप जाके देखना, वेंडर्स में ऐसी क्वालिटी नहीं देखी होगी। न्यूडल्स वही होते हैं, स्प्रिंग रोल वही होता है, चाउमीन सब क्वालिटी उसमें वही बनाता है, ये फाइव स्टार में बनता है, चल उससे बैठ में कई बार वेंडर बनाते हैं वेंडर शॉप, मगर पूरी जिंदगी वो वेंडर्स के मालिक रहते हैं, वो फाइव स्टार तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि रीजन ऐसा वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते। वो जैसे उनका पहला लेवल था आज भी उनका लेवल, खिलाने का लेवल भी वही था, पहनने का लेवल भी था, फर्क क्या होता है फाइव स्टार एक रेडी में सर प्रेजेंटेशन, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन एक फर्क होता है सर, प्रेजेंटेशन इन एवरी एंगल सर, कैसे बेच रहे हैं और किस तरीके से बेच रहे हैं, प्रेजेंटेशन का तो फर्क होता है। दैट्स व्हाई सर वही चाउमीन की कॉस्टिंग वो 40 रुपए की होती है वो 400 रुपए प्लस टैक्स लगा के बेचते हैं। यू नीड टू इंप्रूव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग योरसेल्फ हाउ टू इंप्रूव योरसेल्फ, आई गिव यू सम टिप्स। नंबर वन, स्पेंड एवरी डे 30 मिनट्स ऑन योर सेल्फ एवरी डे, आपको हर दिन 30 मिनट अपनी इंप्रूवमेंट पे आपको लगाने। अगर बड़ा करना है कुछ जबरदस्त जिंदगी में करना है, रोज 30 मिनट अपने आप पे स्पेंड करो अपने आप को इंप्रूव करने में। जैसे आप आज इस ट्रेनिंग में आए, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर जस्ट हेयर टू इंप्रूव योर सेल्फ, यू आर हेयर टू इंप्रूव योर डाउनलाइन, यू आर हेयर टू इंप्रूव योर स्किल्स। सबसे पहले आपको जिंदगी के अंदर 30 मिनट रोज स्पेंड करने हैं। 30 मिनट मतलब 30 मिनट किताबों के, मतलब किताबें पढ़ लो 30 मिनट, YouTube में वीडियोस देख लो, कोई अपलाइन ने बोला है सर वो वीडियो बहुत अच्छी है, और कोई भी ट्रेनिंग सेशन अगर आपको मिल रहा है अपनी अपलाइन की तरफ से, कोई काउंसलिंग मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है सर, वक्त गुजारो सर, जितना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव कर सको, जितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर सको वक्त गुजारो सर। हम स्टार्टिंग में क्या करते होते थे पुणे के अंदर, सॉरी नासिक के अंदर, हम एक जगह बिजनेस शुरू किया, हम हॉस्टल में एक फ्लैट में रहते थे हम 5-6 लीटर सर, और हम 5 लीटर रोज क्या करते थे, हमने रोज रात को सोने से पहले जब 5 लीटर अपना काम करके आते थे, अपने फॉलोअप निपटा के आते थे, 1 लीटर उठता था वो 10 मिनट किताब पढ़ता था, फिर दूसरा लीटर 10 मिनट किताब पढ़ता था, वो तीसरा लीटर किताब, जितनी मर्जी नींद आनी होनी, मतलब 30 मिनट सर किताब, माहौल में पूरा एनर्जेटिक अपना माहौल में बना के
थॉट ऑफ द डे कुछ भी ऐसा बना के सर अपने आप को इंप्रूव क्या करते थे। साथ में मैं जब बोलता था ना मेरी स्पीच बहुत तेज होती थी, मेरे लिसनर्स को मेरी स्पीच समझ नहीं आती। व्हाट आई डिड टू इंप्रूव माय स्पीच, तब एक कैसेट आती होती रील वाली कैसेट आती होती छोटी सी, आपने कभी देखी होगी सर, एक कैसेट आया करती थी, तब ब्लैंक कैसेट आती थी 15 रुपए की। तो हमारे घर में एक स्टीरियो हुआ करता था, उसके अंदर लगा के मैंने स्पीच देनी शुरू कर दी और उसमें करीब 50-55 मिनट रिकॉर्ड होते थे और उस 50-55 मिनट के अंदर अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके उसके बाद मैं सुन के अपनी डायरी अपनी नोटबुक्स के अंदर मुझे ऐसा लगता था मैं कौन सा वर्ड ज्यादा बोल रहा हूँ, कौन सा वर्ड मैं तेजी से बोल रहा हूँ, किस वर्ड के अंदर मुझे फुल स्टॉप होना था, किस वर्ड के अंदर मुझे थोड़ा और हाईलाइट करना था। जैसे मैं आज आपको लाइट लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस वर्ड में मैंने क्या किया, मैंने जिस चीज को ज्यादा प्रेजेंट करना था मैंने उस वर्ड को ज्यादा हाईलाइट किया उस वर्ड को। फिर उसके बाद मैंने उस फिर अगेन ब्लैंक कैसेट ली और उसके ऊपर फिर मैंने जो जो मिस्टेक की आई ट्राई टू इंप्रूव दैट। और सबसे बड़ा होता है अपने आप को खुद इंप्रूव कर अपनी गलतियों को।